हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। हम आपको बहुत ही आसान स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और नो सोलो वाला साइज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और ब्लैक पेज सिलेक्ट कर लेंगे। इस पेज को सिलेक्ट करेंगे, इसको 10 से 15 सेकंड तक बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और अपना कोई फोटो सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है। तो चलिए कोई फोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है, इसको सिलेक्ट किए, काइनमास्टर में हो चुका। इसके बाद इसको इस तरह करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर इसको हम जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक बढ़ा लेंगे। फिर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर इस डुप्लीकेट वाले को सेट करेंगे और नीचे जाएंगे, कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ओवर ऑल एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, फ्लिकर पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, ब्लैक पेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इस पेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको इस तरह करके रोटेट करेंगे, फिर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद इस पेज को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर इस डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, यहाँ पे इसको लाएंगे। फिर पहले इसके बाद हम पहले वाले पेज को सेलेक्ट करेंगे, कलर पर क्लिक करेंगे, कलर को वाइट कर लेंगे। इसके बाद इस ब्लैक पेज को सेलेक्ट करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर इस ब्लैक पेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। इसको हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मेड करते हैं। ये हमारा ब्लैक स्क्रीन वीडियो, इसको सेलेक्ट किए, काइनमास्टर मेड हो चुका है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा इस तरह रोटेट करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्किन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक पीएनजी इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को मेड करते हैं। ये हमारा इमेज, इसको सेलेक्ट किया, काइनमास्टर मेड हो चुका है। इसके बाद इसको इस तरह करके रोटेट करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक म्यूजिक का ग्रीन स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मेड करते हैं। ये हमारा वीडियो, इसको सिलेक्ट किया, काइनमास्टर मेड हो चुका है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर लेंगे। फिर हम बैक जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, क्रॉपिंग पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और एक इमोजी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, कट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको दो तीन भागों में कट कर लेंगे। इसको इस प्रकार कट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पर आएंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर इसको लाएंगे जहाँ पर मेरा पहला वाला था। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसको इस प्रकार कट कर लेंगे। फिर हम पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे और इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और पॉप पर क्लिक कर लेंगे। फिर दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और पॉप पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह हम सारे को इन एनिमेशन पर क्लिक करके पॉप पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली मेरा वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसमें सॉन्ग ऐड करना है फिर हम ऑडियो क्लिक करेंगे और अपना सॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर इसे में सेव करना है फिर हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना साइज सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा फाइल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको।